नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाई नेक कॉलर ब्लाउज की कटिंग, तो चलिए समय लगवाते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाई नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके लिए हाई नेक कॉलर के लिए हमको 5 इंच छोड़ना है। अभी हमें 40 इंच का चेस्ट बना रहे हैं तो इसमें 8वां भाग यूज करते हैं। आपका कोई भी साइज है आपको 8वां भाग लेना है। अब ये 40 इंच का है तो 40 का 8वां भाग हमारा 5 इंच आएगा, तो यहाँ से हम 5 इंच छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो ये 5 इंच छोड़ के फिर इसके नीचे हम डायग्राम बनाएंगे। तो हाई नेक के लिए आपको कॉलर जो बनाते हैं उसके लिए 5 इंच हम छोड़ देंगे। तो इसको इस प्रकार से हम लाइन को खींच देंगे, ये देखिए। अब यहाँ से हमारा डायग्राम बनेगा, तो इसमें हम योग पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ से हम शोल्डर 6 इंच रखेंगे, तो गले की तरफ से यहाँ से हम 6 इंच रखेंगे, ये देखिए। आर्मोर हम रखेंगे 6 इंच, तो यहाँ से हमारा ये 6 इंच यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने शोल्डर लिखा, यहाँ पे आर्मोर। तो अभी हम देखेंगे लंबाई इसका, तो लंबाई हमारा 14 तैयार है, तो इसमें हम योग भी निकालेंगे इसी में। तो यहाँ से हमको 2 इंच बढ़ा के लेना है, तो 14 तैयार है तो हम यहाँ पे 16 इंच लेंगे। तो यहाँ पे 16 इंच पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे। अब ये लाइन को अभी हम सीधा कर देंगे, तो इस प्रकार से हमने लाइन को सीधा कर दिए। अब यहाँ पे हमारा चेस्ट आएगा, तो चेस्ट हमारा 40 इंच है, 40 का 1/4 आएगा 10 इंच। तो यहाँ से हम 10 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे, ये देखिए। ये लाइन को भी हम सीधा करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम एक फ्रंट साइड का है तो यहाँ से हम 1 इंच का गोलाई देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। यहाँ से हम गला रखेंगे 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ से हम रखेंगे 6.5 इंच, तो गला कैसा रहता है आपको जो भी साइज वाला रहेगा 6, 6.5, 7, तो आपको 0.5 इंच बढ़ा के लेना। अभी आपको 6 तैयार चाहिए तो 6.5 लेंगे, 0.5 इंच बढ़ा के लेना है। अगर 7 तैयार चाहिए तो 7.5 लेना है, तो इसी प्रकार आपको ले लेना है। तो यहाँ से भी देखेंगे 2.5 इंच हमारा कहाँ पे है, तो 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए इस तरह से निशान लगा देंगे हम। अब ये लाइन को हम इसमें मिला देंगे, इसको यहाँ से हम गोलाई दे देंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये 10 इंच था। ये लाइन को हम फिटिंग में ले लेंगे और नीचे हम यहाँ पे कमर का मार्जिन नहीं दे रहे हैं, ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। तो हमने यहाँ कमर की लाइन, कमर जो रहता है यहाँ पे हमारा जो टैक्स लगता है, तो वो किरमान जितना बचता है उतना कमर जो फिटिंग करते हैं तो हम ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारा योग निकलेगा, तो यहाँ से हम 4 इंच रखेंगे योग, ये देखिए यहाँ से 4 इंच लेंगे यहाँ पे, और इस तरफ से हम रखेंगे 3 इंच। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगा देंगे। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे, इस तरफ से शेप दे देंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे 1 इंच का हम डिफरेंस दिए यहाँ पे, तो ये हमारा योग निकल गया। अब यहाँ पे हमारा टैक्स लगेगा, तो टैक्स हम कैसे लगेंगे, चेस्ट का 4वां भाग आया 10 इंच, तो 10 का 1/2 आएगा 5 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगा देंगे, ये देखिए। और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, तो यहाँ पे 2.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच यहाँ पे, और यहाँ से 1.5 इंच यहाँ पे 1.5 इंच आएगा, और यहाँ से 2.5 इंच, ये देखिए। अब ये लाइन को हम यहाँ पे इसमें मिला देंगे, यहाँ पे हमने 1.5 लिया, ये लाइन को सीधा कर देंगे और इसको क्रॉस मिलेंगे,
इस प्रकार से। अब देखिए ये जो टेक्स्ट है यहाँ से आपको ढाई इंच लेना है, तो ढाई इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे निशान लगा देंगे और इसको इस तरफ से हम शेप दे देंगे और टेक्स्ट लगा देंगे। ये देखिए तो हमारा यहाँ पे ये टेक्स्ट लग चुका है, यहाँ पे योग निकल चुका है। अब हम इसको समझेंगे, तो हमारा यहाँ पे कॉलर निकलता है, तो ये जो चौड़ा पट्टी होता है कॉलर को, तो आपके ऊपर है आप कितना चौड़ा ले सकते हैं, तो यहाँ से आपको लेना है। तो यहाँ से हम दो इंच रखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर हमारा सिलाई भी जाएगा, तो हमारा यहाँ ये देखिए दो इंच रखेंगे, डेढ़ इंच पर तैयार होगा हमारा, ये देखिए। अब इसको यहाँ से लाइन को हम सीधा कर देंगे, दो इंच हमने लिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम ये आधा इंच का ऐसा इसमें ऐसा क्रॉस में हम ले लेंगे, ये देखिए। जब हम कटिंग करेंगे ये लाइन को ऐसा कटिंग करेंगे, ये यहाँ से आएगा, फिर इस प्रकार से हो जाएगा। आधा इंच को आपको यहाँ से ऐसा क्रॉस में ले लेना है। अब हम बैक साइड का देखेंगे, तो तैयार हमारा 14 इंच था, अब बैक साइड में हम 1 इंच लेंगे, तो 1 इंच आपको बढ़ाना है। तो यहाँ से हम 14 तैयार है, तो 15 इंच पे निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हमारा 15 इंच यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम यहाँ निशान लगा देंगे, ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम शोल्डर 6 इंच रखेंगे, जैसे हमने फ्रंट साइड में रखे थे वैसे हम बैक साइड में रखेंगे, यहाँ से भी 6 इंच यहाँ पे, ये लाइन को सीधा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा चेस्ट, तो चेस्ट हमारा 40 का 1/4 10 इंच आएगा, तो 10 इंच पे हम निशान लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन रखेंगे, तो 2 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच का शेप देंगे, फ्रंट साइड में आपको 1 इंच का, बैक साइड में आपको 1.5 इंच का देना है, तो इस प्रकार से आपको शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे, यहाँ से हमको 10 इंच चाहिए, तो यहाँ पे तैयार 10 इंच चाहिए, तो यहाँ से हम 10.5 लेंगे, आधा इंच आपको बढ़ा के लेना है, तो यहाँ 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 3 इंच रखेंगे, ये लाइन को इसमें हम मिला देंगे, ये देखिए। अब इसमें हम ऐसा गोल शेप दे देंगे, अब यहाँ पे हम टैक्स लगाएंगे, तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे, यहाँ से 4 इंच, यहाँ पे 1/2 इंच और यहाँ पे 1/2 इंच, तो हमने यहाँ पे जो 10 इंच लिए थे यहाँ से हमारा ये फिटिंग आएगा, ये देखिए, और ये हमारा मार्जिन हो गया। तो यहाँ पे हमने कमर का जो है चेस्ट ये मेजरमेंट नहीं किए, क्योंकि जब हमारा टैक्स लगता है तो फिर यहाँ पे हम कमर का चौथा भाग लेके यहाँ पे फिटिंग करते हैं, तो ये लाइन को हमने सीधा कर दिए। अगर आपका आपको अगर कमर का मेजरमेंट करना है, तो इसके लिए आपको 1 इंच यहाँ छोड़ के फिर आपका चौथा भाग लेना है, फिर यहाँ पे 2 इंच मार्जिन रखना है, तो आप ऐसा सीधा ले लीजिए, यहाँ पे टैक्स लगा के जो बाकी जो फिटिंग करते हैं तो आप इसको क्रॉस में ले सकते हैं। तो अब इसका हम कटिंग कर लेंगे।
अब हम बाहें देखेंगे, तो बाहें के लिए हमने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किए हैं, ये देखिए इसमें हमारी दो बाहें निकलेगी, तो ये डबल फोल्ड है, ये देखिए। तो यहाँ पे बाहें के लिए आपको चेस्ट का चौथा भाग यूज करना है इस लंबाई में। तो यहाँ से हम चेस्ट हमारा 40 है, 40 का चौथा भाग आएगा 10 इंच आएगा, तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, ये लाइन को हम सीधा कर देंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे अभी जो आपकी लंबाई होती है, अगर आपका अस्तर का ब्लाउज है आपको 1 इंच बढ़ाना है, और बिना अस्तर का है आपको 1.5 इंच बढ़ाना है। तो ये देखिए यहाँ से हमको ये 1 इंच हम बढ़ाएंगे यहाँ पे, और 5 इंच पे हमको फिटिंग चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने 6 इंच पे लिए हैं, 1 इंच हम बढ़ा के लिए हैं यहाँ पे। अब देखिए इस तरफ से आपको 2.5 इंच रखना है, तो 2.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, और यहाँ से 1.5 इंच, और यहाँ से 1 इंच। अब इसको हम शेप देंगे, तो आपको इस प्रकार से शेप दे देना है। अब यहाँ से दंड घेर देखेंगे, तो दंड घेर हमारा यहाँ से 6.5 है, 13 इंच का हाफ 6.5 आएगा, तो यहाँ से हम 6.5 निशान लगा देंगे, और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे, तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये यहाँ से हम इसको इसमें मिला देंगे ये लाइन को। अब इसका हम कटिंग करेंगे, यहाँ से ऐसा शेप देते हुए आपको कटिंग कर लेना है, ये देखिए। तो हमारी ये बाहीं कट गई, अब इसमें हमको शेप देना है, तो हम शेप कैसे, यहाँ पे हमारा ये जो दंड घेर था 6.5 है, तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे एक, तो ये देखिए 7.5 पे निशान लगा दिए। यहाँ से आपको 1 इंच बढ़ा के लेना है, यहाँ पे एक आपको ऐसा कट लगा लेना है, ये देखिए इस प्रकार से। अब क्या करना है, ये दो पार्ट ऊपर का, ये देखिए दो कपड़ा उठाना है आपको इस प्रकार से, और इसके ऊपर रख देना है जहाँ पे हमने कट किए थे। तो जिसको शेप देने नहीं आता है, तो आप इस प्रकार से ये आइडिया ले सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से शेप दे देंगे, तो हमारा ये शेप निकल गया कट के। अब इसको हम इसी के ऊपर वापस रख देंगे, ये देखिए, तो ये ऐसा हमारा ये देखिए शेप आ गया। अब क्या करेंगे, फ्रंट साइड का है तो हम ऐसा निशान लगा देंगे, यहाँ पे हमारा ये फ्रंट साइड का है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा हाई नेक ब्लाउज की कटिंग। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समझे सीखे सफल बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।